के लिए, और सबसे पहले जिनका मुखौटा ऑलरेडी उतर भी चुका है, अगर आप ट्विटर वगैरह में देख रहे हैं तो ऑब्वियसली मुखौटा उतर चुका है, पर मुझे लगता है अभी भी बहुत कुछ है उनके कैरेक्टर में जो लोगों को देखना बाकी है. सो दैट वुड बी टीना. हाय, दिस इज श्रीजिता डे एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बकेटी क्वीन. सो लेट्स सी व्हाट सरप्राइज टॉक्स वी आर डूइंग टुडे. कि आप बिग बॉस में गई, बिग बॉस 16 में, तो आपका वहां का एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस बहुत ही खूबसूरत था. बहुत छोटा सफर था, ऑब्वियसली उम्मीद करके गई थी कि बहुत लंबा रहूंगी, लास्ट तक रहूंगी. सफर छोटा था इस बात की दुख है, बट द एक्सपीरियंस वॉज रियली ब्यूटिफुल. मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है. कम दिनों में इतने लोगों के साथ रहकर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो हम नजरअंदाज कर देते हैं एवरीडे लाइफ में, वो सारी छोटी छोटी चीजें जिंदगी के बारे में सीखने मिला है. सो इट वॉज एन अमेजिंग जर्नी. सो सबसे कम समय में, जैसे आपने बताया आप सबसे कम समय में थी वहां पे, तो सबसे कम समय में आपका सबसे अच्छा बॉन्ड वहां पे किसके साथ रहा था? मेरा वहाँ पे प्रियंका अंकित के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड था. जाते ही सबसे पहले एक्चुअली हम तीनों का ही एक मंडली काइंड ऑफ बन गया था. हम तीनों बहुत बातचीत करते थे एक साथ. अब्दू के साथ भी एक वन ऑन वन बहुत खास क्यूट सा प्यारा सा रिश्ता बना था, बना है. इनफैक्ट मुझे 100% यकीन है कि जब भी सब लोग घर के बाहर आएंगे, आप लोग सब वापस से मिलेंगे, तो बॉन्ड है. और ऑब्वियसली निमृत और गौतम के साथ भी एंड के समय में काफी अच्छी दोस्ती हुई है. तो जैसा कि आजकल जैसा बिग बॉस अभी चल रहा है, तो आपको क्या लगता है आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है जो अच्छा कर रहा है? अभी फिलहाल तो जो अच्छा कर रहा है, फेवरेट मेरा हमेशा से अब्दू है, क्योंकि मुझे बहुत प्यार है उसके लिए. बट अगर बहुत अच्छा जो खेल रहा है, आई वुड से शिव, प्रियंका. निमृत के अंदर भी काफी चेंजेस दिखाई दिया लास्ट वीक से सडनली, क्योंकि स्टार्ट में वो बहुत अच्छा खेल रही थी जब तक लाइक इनिशियल 2-3 हफ्ते तक. बट उसके बाद थोड़ा सा उसका ग्राफ डाउनफॉल हुआ था, बट लास्ट हफ्ते से शी इज कमिंग अक्रॉस स्ट्रॉन्ग. तो जैसा कि टीना बोलती रहती है कि मतलब आओ बहन चुगली करें, तो आज हम थोड़ी सी चुगली करते हैं टीना की. और चुगली करते हुए पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा कि आपको क्या लगता है टीना और शालीन का जो लव एंगल दिख रहा है घर में, तो वो फेक है या रियल है, या फिर वो गेम खेल रहे हैं? आपका क्या पर्सपेक्टिव है? एब्सोल्युटली गेम खेल रहे हैं. फेक रियल तो बहुत पहले ही पता चल चुका है कि फेक है. इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि अगर गेम खेलने के लिए भी कर रहे हैं तो भी इतना बुरा कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बाहर ऑडियंस को बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि उनको एक्चुअली करना है नहीं करना है. नहीं, हम दोस्त है बोल के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या मोर देन दोस्त की तरह हग करना, आई वुड नॉट से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आई वुड से कि हम बस दोस्त है, सिर्फ दोस्त है, और बोल के दोस्त से थोड़ा ज्यादा लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ हग करना या डांस करना, तो इट लुक्स वेरी कंफ्यूजिंग. तो ऑब्वियसली वो लोग गेम के लिए कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं. तो आपको क्या लगता है कि टीना और शालीन बेटर कपल देख, जैसे ऑडियंस के हिसाब से, जैसे ऑडियंस देख रहे हैं अभी तो उनको फिलहाल ऑडियंस कपल की तरह ही देख रहे हैं, राइट? तो आपको क्या लगता है टीना और ऑडियंस वाला ज्यादा कपल ट्रेंड में और अच्छा लग रहा है, या फिर गौतम और सौंदर्या वाला ज्यादा अच्छा लगता था? ऑनेस्टली गौतम और सौंदर्या वाला ज्यादा कंसिस्टेंट था, क्योंकि इनिशियली थोड़ा सा उनके बीच में कंफ्यूजन जो भी था, बट उसके बाद जब से वो लोग साथ में थे, वी कुड सी अ ग्राफ ग्रेजुअली गोइंग टू सम डायरेक्शन. ये नहीं कि उनके बीच में भी झगड़ा हो रहा था एज कपल्स, बट इवन इफ ऑडियंस ने उसको भी फेक बोला, एंड इवन आई फील दैट इट वॉज मे बी फॉर द गेम,
बट फिर भी एक ग्राफ दिख रहा था जहाँ पे दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं नजर आ रहे थे। झगड़ा तो हर कपल में होता है और अगर आप साथ में घर में रहोगे तो ऑब्वियसली झगड़े झगड़े होंगे, बट इनका क्या दिख रहा है, बहुत कंफ्यूज दिख रहा है। वो दुनिया के लिए ये बोलना चाहती है, स्पेशली टीना की, एक लड़की की इज्जत पे ये सारी बातें आ जाती है। और यू नो आई हैव अ वेरी गुड नेम आउटसाइड, मैंने अपने नाम बहुत अच्छे से बना के आई हूँ और मैं वो नाम को स्पॉइल नहीं करना चाहती हूँ। यू आर सेइंग दीज थिंग्स एंड कॉन्ट्ररी टू दैट, मतलब आप अपने ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्ररी करके शालिन को दोस्त से ज्यादा शायद आप उनके साथ हग कर रहे हो या उनके साथ कभी रोमांटिक डांस कर रहे हो या उनके चीक्स पे किस कर रहे हो या जो भी, एक 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 केमिस्ट्री दिखता है ना ऑटोमेटिकली अगर आप टीवी पे देख रहे हो तो एक केमिस्ट्री दिखता ही है। सो यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योर स्टेटमेंट्स की जो आप बोलते हो कि मेरे इमेज ऐसे दिखना चाहिए और वो वैसे तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, इनफैक्ट बहुत कंफ्यूज दिख रहा है और बहुत ही लग रहा है कि आप शालिन पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, कभी इंटरेस्टेड नहीं हो, इंटरेस्टेड नहीं हो। तो जैसा कि अभी मतलब कुछ दिन पहले मैंने जब शो देखा था तो उसमें प्रियंका, अर्चना और शालीन बैठे हुए थे और शालीन ने बोला था कि एक बार वाइल्ड कार्ड वाइल्ड कार्ड आने दो फिर मैं देखता हूँ, फिर मैं देखता हूँ, मतलब फिर आप लोग देखना प्रियंका और अर्चना को, जैसा कि उन्होंने बोला था। तो आपको क्या लगता है कि नई वाइल्ड कार्ड आते ही क्या शालीन टीना का दामन छोड़ देंगे या फिर क्या? वो तो समय समय की बात है, हो सकता है ऐसा। आई एम वेरी श्योर जिस तरीके से ये इन दोनों के बीच में झगड़े झगड़े हो रहे हैं, डेफिनेटली अगर टीना और शालीन झगड़ रहे हैं और उस टाइम पे कोई हॉट लड़की वाइल्ड कार्ड है तो ऑब्वियसली शालीन उनके साथ भी फ्लर्ट करेंगे ही। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में देखा गया है कि गौतम जब घर से बाहर निकल गए हैं तो शालीन और सौंदर्या में काफी बातचीत देखी जा रही है, तो शुरू हो रही थी। हाँ, और शालीन कोशिश भी कर रहे थे कि यू नो हम पहले के जैसे दोस्त बन सकते हैं, इस घर में सबसे पहला बॉन्ड मेरा आप ही के साथ हुआ था तो हम पहले जैसे दोस्त बन सकते, तो वो तो उनका नेचर है, वो ही नोज हाउ टू फ्लर्ट, he is a flirt. तो फिर मतलब टीना अगर झगड़ा करेगी तो उनको दिखाने के लिए कोई और लड़की भी तो होगी ना जेलस करने के लिए, which is very important for the storyline. अरे एक तो मतलब आपके हिसाब से एक storyline बन रही है। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप वाइल्ड कार्ड एंट्री के उसमें जाना चाहेंगी, और अगर आप जाएंगी तो आप सबसे पहले किसका मुखौटा उतारेंगी? अगर मुझे मौका मिले तो डेफिनेटली मैं जाऊंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था जब मैं स्टार्ट में गई थी तो उम्मीद यही थी कि मैं आगे तक जाऊं, और बहुत कम छोटा सफर था तो मुझे लगता है ऑडियंस भी मेरा जो रियल शुजिता है वो सही तरीके से पूरा देख नहीं पाए, क्योंकि बहुत ही कम समय था, अपने आप को मुझे दिखाने का जो टाइम मिला था वो बहुत ही छोटा था। सो ऑब्वियसली आई वुड लाइक कि मेरे जो फैंस है या जो ऑडियंस है वो मुझे और ज्यादा देखे, मुझे और ज्यादा पहचाने कि मैं कौन हूँ, और बहुत सारे ऐसे लगता है कि अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया है जो करना बाकी है, और गेम का भी तरीका भी काफी चेंज हो चुका है ना जिस टाइम पे मैं निकली फॉर्मेट, और फिर फॉर्मेट से भी जो घर के अंदर केमिस्ट्रीज है, इक्वेशंस है जो वो काफी चेंज हो चुका है, तो बहुत कुछ है करने के लिए। और सबसे पहले जिनका मुखौटा ऑलरेडी उतर भी चुका है, अगर आप ट्विटर वगैरह में देख रहे हैं तो ऑब्वियसली मुखौटा उतर चुका है, पर मुझे लगता है अभी भी बहुत कुछ है उनके कैरेक्टर में जो लोगों को देखना बाकी है। So that would be Tina. अगर मैं जाऊंगी तो, अगर आप एक नाम लेना लेने के लिए कहेंगे तो मैं उनका नाम लूंगी, उसके बाद बहुत सारे और लोग हैं लाइन में, पाइपलाइन में, बट उनका काफी अभी भी मुझे लगता है काफी चेहरा लोगों को देखना बाकी है। मास्टरमाइंड कौन है घर का? मास्टरमाइंड तो फिलहाल ग्रुप ऑफ जो सेवन एक मंडली बना हुआ है, तो उनका मास्टरमाइंड साजिद जी है, और कहीं ना कहीं शिव भी है।
सो वो ग्रुप चलता है साजिद जी और शिव के दोनों के म्यूचुअल डिसीजन से. बाकी जो ग्रुप ऑफ फोर है वो उसमें कोई किसी का नहीं सुनता है, उसमें ना प्रियंका अर्चना की सुनती है ना अर्चना प्रियंका की सुनती है, दे आर सोलो राइडर्स. ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि सब कुछ देखने के बाद आपको क्या लगता है बिग बॉस 16 कौन जीतेगा, जो इस समय मौजूद है घर में उनको उनको देखने के बाद? आई थिंक मतलब अगर मैं लॉजिकली सोच के बोलूं तो आई फील आइदर इट वुड बी प्रियंका और इट वुड बी निमृत. बट अगर गेम के तौर पे मैं बोलूं, गेम एक्चुअली शिव भी काफी अच्छा खेल रहे हैं, बट आई स्टिल फील प्रियंका या निमृत के चांसेस ज्यादा है.